10 रुपए देता हूँ तुझे घर रुका। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सूर्यदा तो चले गए ट्यूशन और मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो गाइस, कोरोना से अभी तक बारिश चालू है हल्की हल्की, तो आज रुकेंगे क्या बोलूँ, आज जाना है हमारे को घूमने मंदिर पे, जंगल में वो झरना है उसी को भी पानी आ चुका होगा तो उसमें आज नहाएंगे। मैं तो ये बात भूल गया हूँ क्योंकि हमारे को सूर्यदा को मेरे को तो जुकाम हो चुका है, सर्दी आ चुकी है। सूर्यदा तो परसों गए थे ना पानी में घूमने, तो उसी से मैं तो फ्रिज का पानी पीता हूँ इसलिए मुझे आई है, मैं तो आती नहीं थी। और रोहन देखो स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है। जाना है स्कूल क्या आज भी? कल के सर का नाटक करना है। आने दो। वो आएंगा बाद में। नहीं आने दो। पहले आप रेडी हो। मैं तो रेडी हो चुका हूँ। मैं भी रेडी हो चुका हूँ। पानी की बोतल भर चुकी है? हाँ? मेरी भी डब्बा पैक किया है। तो गाइस देखो कल रात से अभी तक बारिश हो रही है। अरे पानी में मत जा, सर्दी आएंगी। रोहन जंगल में वो झरना है उसी को पानी आ चुका है। नहीं अब नहीं आएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। कल रात से तो हल्की हल्की बारिश है ना। नाच एक बार। हम दोनों एक घंटे से ये तो पढ़ाई कर रहा था, मैं भी पढ़ाई कर रहा था। मेरी पढ़ाई होगी कि मर रहा है भी? कि मर रहा है? मार मत मुझे, तेरे से बड़ा है मैं। आज जाएंगे हम जंगल में घूमने। आज मैं तो भी बारिश रुकी है क्या? गाइस मैं भी जाऊंगा जंगल घूमने। तो चलो गाइस अपने बैग उठा दे, बैग तो उठा लिए, तो चलो चलते स्कूल। सब भी रेडी हो चुकी है तो चलो चलना है ना। हाँ। तो अभी गाइस बज रहे 11 और मैं ट्यूशन से वापस आ गया हूँ। और आज सुबह से बारिश चल रही थी तो अभी भी बारिश रुक गई है। और आज सुबह मैं ट्यूशन बाइक पे गया था तो ट्यूशन जाते जाते मैं पूरा गीला हो गया था, तो मुझे वैसा ही गीले कपड़े में बैठना पड़ा था ट्यूशन में। और घर आते आते भी पूरा गीला हो गया था तो मैंने वो कपड़े चेंज कर लिए और दूसरी टी शर्ट डाल लिए। कार्तिक रोहन भी अपने स्कूल चले गए और अभी भी आसमान देखो कैसे लग रहा है, पूरे काले काले बादल है। मुझे तो लगता है फिर से बारिश आएगी। और पेड़ के पत्ते देखो, ऐसा लग रहा है बारिश की बाद उनमें जान आ गई है। जब से कार्तिक और उनकी स्कूल स्टार्ट हो गई है तब से घर में ऐसे बोरिंग सा लगता है, क्योंकि जब उनकी छुट्टियां चल रही थी तो दिन भर शोर मचाते थे, मस्ती करते थे घर में, तो बहुत बोरिंग सा लगता है। तो गाइस अभी चलो चलते नीचे, मेरा ट्यूशन का कुछ काम है तो मैं पूरा कर लेता हूँ। तो गाइस अभी कार्तिक को ले जाना है जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि कल वो बहुत बोल रहा था ना कि मुझे नहीं लेके गए, तो आज उसे लेके जाएंगे। तो भी बज रहे शाम के 6 और रोहन भी बोल रहा है कि मुझे भी आना है आज। मुझे भी आना है। अरे कल लेके जाऊंगा ना तुझे। अबे अबे कल लेके जाऊंगा ना, उतर नीचे, मैं कल लेके जाऊंगा। क्यों कल लेके जाऊंगा ना तुझे? क्यों? अबे उतर नीचे, नाटक मत कर, उतर जल्दी नीचे। उसे लेके जाने दे। क्यों? अबे पहले ही लेट हो गए, उसे लेके जाने दे। तुझे कल लेके गए थे ना, कल फिर से लेके जाऊंगा तुझे, उतर नीचे। चल चलो, नहीं उतर नीचे। 10 रुपए देता हूँ तुझे घर रुका। कल पक्का लेके जाऊंगा तुझे। कल पक्का जाएंगे हम, तेरा बहुत मन हो रहा है ना, कल जाएंगे अपन, आज उसको ले जाने दे। तो चलो गाइस कार्तिक तो मान गया 10 रुपए में, इसको लेके चलते डुमंजा को। रुक तू, तुझे घर पे अगर जल्दी लाया ना तो मुझे बोलना, इसको आज जगह कहीं जंगल में रुकाता हूँ मैं। मुझे डर नहीं लगता। क्या? मुझे डर नहीं लगता। तो चलो गाइस चलते डुमंजा को लेके, कार्तिक तो मान गया बेचारा 10 रुपए में ही। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल में और हमारी टोली निकल चुकी है। अब मेरे साथ है रोहन, ऋषि और आकाश। आज देखो हम सब कहाँ से जा रहे हैं, बहुत दूर जाने का है डुमंजा आज। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि आज बहुत आगे जाना है, और रोहन भी हमारे साथ है और शाम भी हो रही है, पता नहीं आज क्या होगा। तो हमें घर पे इतना अच्छा लगता जितना जंगल में लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और अभी बारिश का मौसम है तो अब तो बहुत ही मजा आता है जंगल में घूमने का। बेचारा कार्तिक अकेला है घर पे, उसका बहुत मन कर रहा था आने का पर बाइक पे जगह नहीं थी, तो फिर क्या करते। ओ भाई रास्ता देखो, उधर से आते वक्त बहुत हालत खराब होने वाली है। भाई ये लोग तो मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। गाइस हम रोहन को बोलेंगे कि बहुत दूर लेके जाएंगे, बहुत दूर लेके जाएंगे, पर यही पे जाना है हमें। मुंजा जंगल में शेर आएगा, शेर इधर देख, शेर आएगा, शेर सवा शेर है भाई, सवा शेर। डर तो नहीं लग रहा है ना? आकाश बोल रहा है कि यहाँ पे कुआं खोदो, यहाँ पे पानी लगेगा।
भाई हमारे आकाश के दिमाग मतलब अलग ही लेवल का है। ओ गया आकाश में डुमन से गिरा। अरे तो देखो ऋषिकेश बाबू बहुत गम में गए। ऋषिकेश बाबू तो देखो गाने सुनते सुनते चल रहे हो, देखते हैं उनका दम कहाँ तक पहुँचता है, क्या आधे बीच में कुचक जाते हैं। भरोसा नहीं है उनका, देखो उनके हालात से समझ में आता है अपने को। हालत देखो भाई की, हालत देखो भाई की। और बोलते है रोज शाम को हमें जंगल में घूमने जाना है। देखो व्लॉग बना रहा है। अरे तो गाइस देखो वर्ल्ड के नंबर वन व्लॉगर ऋषिकेश भाऊ अभी व्लॉग निकाल रहे हैं। किधर को जाएंगे? उधर को, उधर को, इधर को, उधर को। आकाश भाई आप देख सकते हैं बहुत खतरनाक, बहुत ही फेमस आदमी है। आकाश भाई भी व्लॉग निकालने में लगे हुए अपना है ना आकाश भाई? नहीं भाई सेल्फी नहीं कर रहे, सेल्फी भाई अब लग रहा है जंगल में डर, क्योंकि जानवर आने का खतरा है। अभी शाम हो गई है, वीडियो में इतना अंधेरा नहीं दिख रहा होगा पर रियल में अंधेरा हो गया है। तो भाई आकाश को आज कुछ काम था जंगल में इसलिए हम आए, आज कोई घूमने का प्लान नहीं था। तो अभी गए आकाश का काम हो गया है तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अंधेरा भी हो ही गया है पर वीडियो में दिख नहीं रहा है। उसका क्या काम था मैं बता नहीं सकता व्लॉग में, क्योंकि उसका पर्सनल काम था कुछ। डुमन जा तू आगे चल, तुझे डर लगेगा। उतरते वक्त पता नहीं चला कैसे जा रहे, तो अब चढ़ते बहुत जान पे आ रहा है। अभी मंदिर तक भी पहुंचना है तो अभी देखो अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं रोहन को मना कर रहा था। कार्तिक को घूमने का मन था इसलिए मैं कार्तिक को बोल रहा था। कार्तिक थोड़ा सा बड़ा भी है और छोटा है। तो फाइनली गाइस अभी हम मंदिर भी पहुंच गए, तो यहाँ पे पानी वानी पियेंगे और दर्शन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। तो चलो अपनी बाइक उठाते और चलते घर। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:50, तो अभी हम घर पहुंच गए और कार्तिक यहाँ पे सुबह हुआ है। अच्छा हो कार्तिक तूने आया, अगर तू आता ना तो चढ़ते वक्त तेरी बहुत हालत खराब होती। और रोहन को बोल रहा था मैं घर पे रुक, आज तुझे इसलिए मैं बोल रहा था कि चल, क्योंकि तेरा बहुत मन हो रहा था ना कल कि हमारे साथ आने का। अबे आज हम मुझे आज इसलिए गया था मैं कि आकाश को कुछ काम था जंगल में, उसे कुछ लाना था जंगल से तो इसलिए हम गए थे। तो सोचा तुझे भी आना है तुझे भी लेके चले, पर एडू मंजे पीछे पड़ गए हमारे। जाने दो फिर कभी जाएंगे अपन। होमवर्क किया है कि नहीं आज? नहीं। कब करना है फिर? नहीं दिया नहीं, फिर भी कुछ तो पढ़ाई करना, पढ़ाई करो, IAS बनो, देश का नाम रोशन करो। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा भाई। और एडू मंजे देखो घर पे आते ही फोन पे लग गया, थक गया नहीं क्या? पढ़ाई कब करनी है? हाँ देखो कुछ बोल रहा है क्या? अब पढ़ाई का नाम सुत्ती? चुप। बोल रहा है कि सोने के वक्त करता हूँ। कब करता है सोने के वक्त? अबे एडू मंजा एडिटिंग करता है तू? मैं जब एडिटिंग करता हूँ तब पढ़ता है तू? पर दिखा तो नहीं कभी तू पढ़ते हुए? देखो क्या शाम के वक्त झूठ बोल रहा है। अबे अबे छोड़ मुझे, अबे डुमन जा। देखो गाइस कैसे छोड़ो 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 छोड़ो, इससे बड़ा हो फिर भी छोड़ो। तो भी गाइस मेरे वर्कआउट हो गया, तो आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो पहले तो अब नहाऊंगा और उसके बाद खाऊंगा खाना। तो आज लोग इतना ही, अगर आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। देखो गाइस दोनों भाई रात को कंचे खेल रहे हैं सोने के टाइम पे। क्या खेल रहे हो ऐसे? बे डुमन जा सोने के टाइम पे कंचे खेल रहा है।